गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एम आई एडिबल? ओके, अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स में सारे लोग डालेंगे। अभी आपको बताना है कि स्क्रीन दिख रहा है या नहीं। ओके, अभिजीत यू कैन ओपन। क्या है बोलो। सर माय वॉइस इज ऑडिबल? यस बोलो। सर एक्चुअली माय सेवेंथ स्टैंडर्ड फाइनल एग्जाम वाज गोइंग ऑन, सो कैन यू रिपीट व्हाट वाज इन फर्स्ट चैप्टर? यस आई विल रिपीट। ओके राजीव ओके सर। सर। यस मैम। या यू कैन रिपीट इन अ वेरी शॉर्ट मैनर। गौरव आपले सगळे व्हिडिओज अवेलेबल आहेत नवीन क्लासेसचे पण। ओके सो प्लीज वॉच दोज व्हिडिओज। सेम लिंक आहे आपली जुनी, त्या लिंक वर जाऊन तू ते व्हिडिओज बघू शकतो, म्हणजे तुला डिटेल मध्ये पण कळेल सगळं। आणि आता राजीव सर एक शॉर्ट मध्ये तुम्हाला थोडस जे झालेलं आहे ते परत एकदा सांगतील। ओके राजीव सर प्लीज रिपीट इन व्हेरी शॉर्ट मॅनर। ओके ओके मैम। या या थँक्यू। ओके तो मैं आज हम लोग पढ़ रहे हैं इट्स का लेक्चर टू। ओके और हमने फर्स्ट लेक्चर में जो कवर अप किया था, ज्यादा कुछ हम लोगों ने कवर नहीं किया था और उसको मैं शॉर्ट में ही रिपीट कर देता हूँ। हमने बात की थी पिछले क्लास में रेशनल और इरेशनल के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, उसके बाद आपका होता है रेशनल और इरेशनल। ओके अब इसे और आप आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद आएगा आपका रियल नंबर्स। ओके तो अगर बात करें नेचुरल नंबर्स की, यस आई हैव आल्सो वॉच्ड फ्रॉम यूट्यूब, माय आल्सो एग्जाम वाज गोइंग ऑन। ओके हाँ तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो है वो काउंटिंग के नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, जैसे कि आपका 1, 2, 3, 4, ये आपका नेचुरल नंबर्स है। ओके 1, 2, 3, 4 ठीक है, ये जो काउंटिंग के नंबर्स होते हैं ये आपके नेचुरल नंबर है। होल नंबर जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, वो सारा नंबर हो गया आपका होल नंबर। ओके और इंटीजर में क्या होता है कि ये सारे पॉजिटिव नंबर्स और 0 और फिर इसके अलावा निगेटिव नंबर्स जो है काउंटिंग के निगेटिव नंबर्स, ये अगर इंक्लूड कर देते हैं तो ये हो जाता है आपका इंटीजर्स। और इंटीजर्स जो है इधर भी माइनस इनफिनिट तक होता है और प्लस में भी अगर आगे पढ़ेंगे तो ये इनफाइनाइट नंबर होगा। ओके तो ये हो गया आपका इंटीजर। और रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने बात किया था, तो वो होता है रेशनल नंबर जो जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके और जो डिनोमिनेटर है ये पी जो है वो क्या है, नंबरेटर, और क्यू जो है वो आपका डिनोमिनेटर है। तो यानी कि डिनोमिनेटर रेशनल नंबर के केस में 0 नहीं होना चाहिए। ओके तो इसका एक एग्जाम्पल अगर हम बात करें रेशनल नंबर का, तो जैसे कि 1/2, 2/4, -1/3, 4/6, ये सारा जो है वो आपका रेशनल नंबर है। अगर बात करें 1/0 की, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है इसीलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा और इसको हम डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं। ओके आप नेक्स्ट क्लास में जब आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके और इसको हम लोग अगर 1/0 जो है वो इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड है ये। ओके तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का एग्जाम्पल हो गया। अब बात कर किए थे हम लोगों ने पिछले क्लास में
कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो कैसे करते हैं। अगर मैं बोलूं कि नंबर लाइन पे अगर हमको टू दिखाना है, ओके, तो जैसे कि ये आपका नंबर लाइन है, तो यहाँ पे हो गया आपका जीरो, उसके बाद यहाँ पे हो गया वन, यहाँ पे हो गया टू, और फिर इधर लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं, माइनस वन, माइनस टू, ओके। और इसके इधर यहाँ पे मैंने एरो का साइन बनाया है, इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग और आगे तक इधर भी बढ़ा सकते हैं और इसके आगे और इधर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि हमको टू को, टू आपका क्या है, एक नंबर है, ठीक है, तो इसको हमको इस नंबर लाइन पे शो करना है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नंबर लाइन पे टू यहाँ पे है, ओके, वेट, टू जो है वो यहाँ पे है, तो हम इसको किसी अल्फाबेट से या किसी भी चीज से डिनोट कर देंगे, ये ए पॉइंट है, और नीचे में लिख देंगे ए इक्वल टू टू, ठीक है, यानी कि ए जो है वो शो कर रहा है पॉइंट टू को। तो इस तरीके से जो है हम लोग नंबर्स को रेशनल नंबर लाइन पे शो करते हैं। अब बात आती है कि रेशनल नंबर को कैसे हम लोग शो करेंगे, तो रेशनल नंबर में भी कुछ ऐसा ही है जैसे कि नंबर्स में है। तो चलिए हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 7/3 को हमको रेशनल नंबर पे दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। ये हो गया 7/3, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ले लेता हूँ, नंबर लाइन, ये आपका एरो हो गया, ओके, ये आपका जीरो है, फिर यहाँ पे वन और यहाँ पे टू, ओके। और इसके अगर जीरो से लेफ्ट साइड चलते हैं तो इधर होगा माइनस वन, फिर इसके एक कदम और इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पे होगा माइनस टू, लेकिन यहाँ पे है 7/3, तो यहाँ पे अगर हम देखें नंबर लाइन पे तो 7/3 हमको कहीं दिखेगा नहीं, ओके। तो अब बात आती है कि ये कहीं दिख नहीं रहा है तो आखिर ये है कहाँ, ओके। तो यहाँ पे अगर इसको देखते हैं 7/3 को, तो ये 7/3 होगा कहाँ आखिर, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, 7 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये होगा 3 × 2 = 6, रिमाइंडर 1 होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शन के अगर फॉर्म में लिखे तो ये होगा 2 and 1/3, ओके। अब यहाँ पे आपका एक इंटीजर 2 आया, ओके, तो 2 जो है वो आपका नंबर है, ये तो जो 2 है वो एक आपका नंबर है, तो 2 हमको दिख रहा है, यानी कि ये जो नंबर है वो 2 से भी ज्यादा है, यानी कि ये 2 के बाद होगा, तो हमको और बड़े लाइन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अब यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। अब हमको 2 और 3 के बीच ये हमको पता चल गया कि ये जो है वो 2 और 3 के बीच होगा, ठीक है। अब हमको 1/3 टाइम्स आगे बढ़ना है, मतलब 2 और 3 में हमको 1/3 आगे जाना है, तो 2 और 3 को हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसको हम लोग उतने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको। तो चलिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट्स, और ये रहा आपका 3rd पार्ट, ओके। हमको जाना कितना आगे है, तो 1 स्टेप हमको आगे जाना है, यानी कि ये पॉइंट जो है वो आपको 1/3 होगा इसमें, और यहाँ पे 2 है, इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं 2 and 1/3, और यही पॉइंट जो है वो आपका होगा 7/3, ओके ओके। वॉइस ब्रेक हो रहा था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं,
देखिए 7/3 को शो करना है तो हम क्या करेंगे। ओके गुड, मानसी का क्लियर है। आपके तरफ हो सकता है नेटवर्क का कुछ इशू हो, इसीलिए आप जल्दी से मीटिंग को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन होइए अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो। ओके ओके गुड गौरव, गौरव आपने ज्वाइन किया? ओके गुड, अब आवाज क्लियर आ रही है? यस और नो गौरव? ओके गुड, तो हमने अभी बात किया था 7/3 को कैसे शो करेंगे। तो यहाँ पे 7/3 जो है वो 1 से ज्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है। ओके यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि इसको डिवाइड करेंगे 3 को 7 को 3 से, तो 3 2 6, यहाँ पे रिमाइंडर जो है 1 हो गया। और इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 2 and 1/3। यहाँ पे 2 इंटीजर है तो यानी कि 0 से 1 स्टेप आगे जाएंगे, फिर एक स्टेप और आगे जाएंगे तो 2 पे पहुंचेंगे, फिर उसके बाद हमको 2 के बाद अगर हम एक स्टेप और आगे चले जाएंगे तो 3 पे पहुंच जाएंगे, लेकिन हमको 3 पे नहीं जाना है, हमको जाना है 2 and 1/3 पे। तो यहाँ पे जो है 1/3 है तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और 3 पार्ट में आपको कहाँ पे जाना है, तो यानी कि फर्स्ट वाला पार्ट पे ही जाना है, यानी कि नंबरेटर 1 है यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट पे ही जाना है। तो यानी कि यहाँ से फिर हम एक स्टेप और जाएंगे, यहाँ पे हम लोग पहुंच जाएंगे 2 and 1/3, दैट इज 7/3। ओके तो इस तरीके से जो है हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करेंगे। ओके तो ये हो गया आपका 7/3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 and 1/3। अगर निगेटिव हो गया, अगर निगेटिव नंबर हो, जैसे कि आपका 1/2 अगर दिया रहे, ठीक है, इसको कैसे शो करेंगे? तो इसको शो करने के लिए हम फिर एक नया नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये आपका एक नंबर लाइन हो गया, ये 0, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1। ओके जिस देखे पहले देख लेंगे हम लोग जो रेशनल नंबर दिया हुआ है वो किस रेंज में है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि वो 5 के आसपास है तो हम लोग नंबर लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो 5-6 तक ड्रॉ करेंगे। ओके अगर आपका नंबर लाइन 1 से छोटा है तो आप 0 से 1 के बीच और -1 के बीच ड्रॉ कर सकते हैं। ओके फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे निगेटिव नंबर है यानी कि 0 से लेफ्ट साइड हमको बढ़ना है, तो 0 से लेफ्ट साइड बढ़ना है तो क्या 1 से ज्यादा है? ये 1 से ज्यादा नहीं है, 1 से छोटा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 से छोटा है तो यानी कि 0 और -1 के बीच ये -1/2 लाई करेगा। अब यहाँ पे 1/2 है तो यानी कि 0 से 1 के बीच हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे 3 रहता तो, अगर -1/3 रहता तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते, अगर -1/4 होता तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते, अगर 5/7 रहता तो इसको हम लोग 7 पार्ट्स में डिवाइड करते। ओके उसके बाद फिर हमको दिखाना क्या है -1/2 को, तो यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और नंबरेटर में क्या है 1 है, यानी कि यहां से 1 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट जो होगा आपका ये होगा -1/2। ठीक है, इस तरीके से जो है हम लोग, और इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं किसी अल्फाबेट से। ओके तो ये आपका ये जो पॉइंट है वो शो कर रहा है -1/2। ये क्लियर हुआ, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभिजीत किसने पूछा था?
ओके गुड। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बस यही पढ़ा था, और मैंने क्वेश्चंस ये कराए थे आप लोगों को, मैंने होमवर्क भी दिया था, सारे लोगों ने किया भी होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला जो आपका टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करेंगे वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि 1/2 और 3/4 इसमें कौन सा लार्ज है और कौन सा स्मॉल है, तो इसमें बताने में हमको दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कौन सा बड़ा है या फिर कौन सा छोटा है। ओके, तो इसीलिए हम लोग कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे इसको कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगर कोई रेशनल, सबसे पहली बात रेशनल नंबर क्या है आपका, उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, ए बाई बी या फिर पी बाई क्यू, जो कुछ भी लिखो, और डिनोमिनेटर में आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें कि ए बाई बी में अगर हम ऊपर और नीचे दोनों साइड में, ए बाई बी हो गया आपका ये, नंबरेटर में सपोज मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हो गया आपका ए के डिवाइडेड बाई बी के। ओके, यहाँ पे अगर के कैंसिल करना चाहेंगे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने मल्टीप्लाई किया है और ए के और बी के, यानी कि ए बी इक्वल टू ए के बाई बी के भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी का हेल्प लेकर के हम लोग नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है 5/4 और 2/3 का। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, कंपेयर द नंबर्स 5/4 एंड 2/3, राइट यूजिंग द प्रॉपर सिंबल ऑफ लेस देन साइन, कॉमा, इक्वल साइन और फिर ग्रेटर देन साइन। कौन सा यहाँ पे साइन हम लोग यूज करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे 5/4 है और 2/3 है, तो हम लोग यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर को, अगर दोनों में डिनोमिनेटर को अगर सेम कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो है वो क्या है, मतलब कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो हम क्या करते हैं, 5/4 में, 5/4 इक्वल टू 5/4 इंटू, और यहाँ पे भी मैं इंटू करता। ओके, अब यहाँ पे किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे 2/3, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 2/3, यहाँ पे भी इंटू, यहाँ पे भी इंटू। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 4 है और 3 है, ठीक है। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपने पढ़ा है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम आपने पढ़ा है। एलसीएम अगर बात करूं 4 और 3 का तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 4 और 3, 12, ठीक है। तो एलसीएम 12 होगा, और तो यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा वो 12 होगा आपका, ठीक है, दोनों में 12 होगा। आप यहाँ पे 4 में किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाए कि 12 होगा, कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 12 होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें उस नंबर का जिससे मल्टीप्लाई करने पे 12 हो, तो वो है आपका 3। ओके, तो 4 × 3 12 हो गया। अब जिस नंबर से मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से मुझे नंबरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 3
ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है, यानी कि 15 बाई 12 जो है आप वो 5 बाई 4 के बराबर है। फिर नेक्स्ट है आपका 2 बाई 3, अगर हम इसमें 12 हमको चाहिए तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका 12 होगा, अगर मैंने 4 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करूंगा, तो 4 इंटू 2 8, ओके, तो यहाँ पे 8 बाई 12 और 15 बाई 12 आया, 8 बाई 12 का मतलब हुआ 2 बाई 3 और 15 बाई 12 का मतलब हुआ 5 बाई 4। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 15 बाई 12 और 8 बाई 12 में बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 12 यहाँ पे भी है और 12 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे, और नंबरेटर में देखा जाए तो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 8 है, यानी कि 15 बड़ा है 8 से, तो हम लोग लिख सकते हैं 15 बाई 12, 15 बाई 12 ग्रेटर देन 8 बाई 12, तो 15 बाई 12 को हमने क्या लिखा है, 5 बाई 4 को मैंने 15 बाई 12 लिखा था, तो अब ओरिजिनल वैल्यू को मैं लिख देता हूं, यानी कि 5 बाई 4 ग्रेटर देन 2 बाई 3, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आपका हो गया टू रेशनल नंबर्स का कंपैरिजन, ओके। तो इस तरीके से हम लोग रेशनल नंबर को कंपेयर करेंगे। हाँ, मानसी ने क्वेश्चन किया है सर कैन यू रिपीट दिस मेथड, ओके। हाँ, तो मैंने क्या किया है, जैसे कि 5 बाई 4 और 2 बाई 3 है, तो यहाँ पे हमको पता नहीं चल रहा है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ओके, तो इसलिए हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे आपको सॉल्यूशन में देखेगा तो ये डायरेक्ट लिखा हुआ है 15 बाई 12, यहाँ पे 3 से इसने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है, क्यों किया है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ओके। तो हम लोग करेंगे क्या कि डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो 4 और 3 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो ये होगा आपका 12, ओके, तो वही आपका जो 12 होगा वही आपका डिनोमिनेटर में आएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 5 बाई 4 इक्वल टू 5 इंटू और 4 इंटू लिख लेंगे, उसके बाद इधर में 12 लिखेंगे, तो 4 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 हो जाए, तो 3 से, यानी कि यहाँ पे और ऊपर 3 3 रखेंगे, तो ये हो गया 15 बाई 12, और फिर 2 बाई 3 वाले में यहाँ पे अगर 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, तो 4 से, ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई नंबरेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से हमको मिलेगा 15 बाई 12 और 8 बाई 12, तो ये जो है ये आपका यहाँ से हम लोग कंपेयर कर लेंगे, अब देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, यानी कि आप देख सकते हैं 15 बाई 12 जो है वो बड़ा है और 8 बाई 12 छोटा है, हम लोग लिखेंगे 15 बाई 12 ग्रेटर देन 8 बाई 12, और यहाँ पे 15 बाई 12 जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 बाई 4 को, तो यहाँ पे इसके सामने लिखेंगे 5 बाई 4 और 8 बाई 12 को लिखेंगे 2 बाई 3, यानी कि हम लोग का हो गया 5 बाई 4 जो है वो ग्रेटर है 2 बाई 3 से, ओके, क्लियर हुआ ये। ओके मानसी, ओके सैली, गुड। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। अभी हमने क्या देखा कि अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर हो तो उसका कंपैरिजन कैसे करेंगे, अगर कोई निगेटिव आ जाए तो कैसे करेंगे, तो वही निगेटिव के लिए यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया हुआ है। तो अगर मैं पूछूं कि भाई बताओ -2 और 2 इसमें बड़ा कौन सा है, ठीक है, 2 और -2 में बड़ा कौन सा है, या फिर यहाँ पे अगर कौन सा साइन यूज करेंगे, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, या फिर इक्वल टू, ओके सैली, गुड गुड मानसी। अगर मैं साइन पूछूं कि ग्रेटर देन यूज होगा या फिर स्मॉलर देन यूज होगा,
ये है आपका ग्रेटर देन का साइन और ये है स्मॉलर देन का साइन। तो विच वन इज यूज्ड हियर? सैली ने आंसर किया है लेस देन। ओके, बाकी सबने किया। ओके गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग लेस देन का साइन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये जो नंबर है पॉजिटिव है और ये निगेटिव नंबर है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। सेम टू सेम उसी तरीके से रेशनल नंबर है यहाँ पे, ठीक है? तो रेशनल नंबर में क्या होगा, अगर यहाँ पे रेशनल नंबर है तो यहाँ पे जो है वो -7/9 है और यहाँ पे 4/5 है। तो एक निगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसमें कौन सा साइन यूज करेंगे? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, विच साइन यूज्ड हियर? निधि ने आंसर किया है लेस देन। शैली ने भी आंसर किया लेस देन, वेरी गुड। मानसी गुड। हाँ, तो यहाँ पे जो है वो -7 निगेटिव नंबर है, यानी कि यहाँ पे हम लोग लेस देन का यूज करेंगे। ओके, अगर दोनों जगह पे निगेटिव रहता है तो हम लोग नहीं बता पाते कि ये कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे आपका कंपेयर द नंबर -7/3 और -5/2। अगर मैं यहाँ पे अगर आंसर को मैं ढक देता हूँ, अगर मैं पूछूँ कि यहाँ पे कौन सा साइन यूज होगा, तो क्या आप बता सकते हो? नहीं ना, इसीलिए हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, फिर सेम टू सेम जैसे मैंने पिछले पिछला क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल नंबर 1, सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपेयर करने के लिए 7/3 और 5/3, 5/2 को कंपैरिजन कर लेंगे, निगेटिव साइन को अभी रहने देते हैं और ऐसे ही इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 3 और 2 का, ठीक है, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ थ्री एंड टू, ठीक है, ये होगा 6। हाँ, आपको सेम मेथड ही यहाँ पे भी यूज करना है। यहाँ पे आपका एलसीएम का वैल्यू आया 6, तो यानी कि ये आपका डिनोमिनेटर भी 6 होगा। ओके, तो फर्स्ट फ्रैक्शन का अगर बात करें तो फर्स्ट फ्रैक्शन है आपका -7/3 इक्वल टू, ओके, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे माइनस को अभी रहने देते हैं। आप माइनस लेके भी चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो माइनस हम लोग इंक्लूड करके ही चलते हैं। तो -7/3 इंटू, यहाँ पे भी इंटू का साइन देंगे। ओके, डिनोमिनेटर में जो है वो आपका 6 होना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे आपका 6 होगा? 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा? 2 से। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऊपर अगर नंबरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो -7 × 2, ये हो गया आपका -14। ओके, और सेकेंड फ्रैक्शन है आपका -5/2, -5/2। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -5/2 इंटू, यहाँ पे भी इंटू का साइन दे देता हूँ, और डिनोमिनेटर में जो है वो आपका 6 आने वाला है। तो 2 में अगर किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 हो, तो यहाँ पे हम लोग 3 रखेंगे और यहाँ पे भी 3 रखेंगे, तो -5 × 3 -15। अब यहाँ पे अब डिनोमिनेटर दोनों में क्या हुआ? सेम हो गया, तब हम लोग आराम से इसको कंपेरिजन कर सकते हैं।
अगर बात किया जाए तो कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, तो यहाँ पे -14 है और यहाँ पे -15 है। तो अगर बात की जाए तो 15 जो है वो क्या है, ग्रेटर है, लेकिन इसे पहले जो है वो माइनस साइन लगा हुआ है। तो माइनस साइन में जितना बड़ा नंबर होगा यानी कि उसका वैल्यू उतना छोटा होता है। अगर मैं सिंपली अगर आपसे पूछूं कि -2 और -3 में कौन सा बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, -2 और -3? -2 इज लार्जर देन -3। ओके वेरी गुड। उसी तरीके से यहाँ पे -14 जो है वो लार्जर है, तो हम लोग लिख सकते हैं -14 डिवाइडेड बाई 6 इज ग्रेटर देन -15/6। ओके तो ये हो गया आपका नंबर। लेकिन हमको चाहिए क्या, कंपेयर किसमें करना है, -7/3 और -5/2 में। ओके तो यहाँ पे -14/6 कौन सा है, ये है -7/3 वाला टर्म, तो -7/3 यहाँ पे होगा। फिर ग्रेटर देन यहाँ पे 15/6 है यानी कि ये है, तो -5/2। ठीक है तो ये हो गया आपका, अगर दो रेशनल नंबर निगेटिव हो उसका कंपेरिजन कैसे करते हैं। ओके -7/3 इज ग्रेटर देन, ओके गुड मानसी, ये क्लियर हुआ। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका 3/5 and 6/10 आर रेशनल नंबर, कंपेयर दें। ठीक है यहाँ पे 3/5 और 6/10 को कंपेरिजन करना है। तो यहाँ पे आपका सेम टू सेम वैसे ही कर लेंगे जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हम लोगों ने किया था। तो फिर क्या करेंगे, 5 और 10 का एलसीएम जो है वो क्या होगा, ये होगा आपका 10। वेरी गुड। फिर यहां पे लिखेंगे 3/5 इक्वल टू 3/5 यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे। ओके अब यहाँ पे 10 हमको चाहिए, तो 5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 होगा। ओके तो इसीलिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 2 = 6। और फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपका 6/10, तो ये होगा 6/10 इंटू, यहाँ पे भी इंटू का साइन होगा। हमको यहाँ पे डिनोमिनेटर में चाहिए 10, यानी कि 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, 6 × 1 = 6। अब देखिए यहाँ पे जो है वो 6/10 यहाँ पे भी आया और 6/10 यहाँ पे भी आया, यानी कि ये दोनों नंबर क्या है आपका, इक्वल है। यानी कि हम लिख सकते हैं 3/5 इक्वल टू 6/10। ओके और देखिए यहाँ पे इसके अलावा और क्या मेथड है, और जो मेथड है वो है आपका जैसे कि यहाँ पे 3/5 है और 6/10 है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आपका सिंप्लीफाई हो सकता है। तो अगर 2 से अगर इसमें डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 5। यहाँ पे देखिए 3/5 यहाँ पे भी आ गया और 3/5 यहाँ पे भी आ गया, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ओके तो इस तरीके से भी हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो इस तरीके से आप करेंगे, लेकिन आपको जब डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम हो जिसमें आपको लिखना है तो उसमें आपको इस तरीके से एलसीएम निकालना है, फिर इस तरीके से सारा कुछ
अरेंज करके लिखना है. ओके नेक्स्ट है आपका द फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू रेशनल नंबर्स. ओके ये कुछ रूल्स है जो कि आपको याद रखने हैं और इसका यूज करके आप नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं. जैसे कि इफ ए बाई बी एंड सी बाई डी आर रेशनल नंबर सच डेट बी एंड डी आर पॉजिटिव. अगर बी और डी जो है वो पॉजिटिव है एंड इफ ए इंटू डी लेस देन बी इंटू सी ठीक है देन ए बाई बी लेस देन सी बाई डी होगा. तो ये कैसे करना है मैं इसको आपको बताता हूं. इसको मैं इरेज कर दूं. ओके हाँ तो यहाँ पे जो है यहाँ पे a बाई बी जो है a बाई बी एंड c बाई डी और b और d जो है वो क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए एंड इफ a इंटू डी लेस देन b इंटू सी ठीक है. अगर इस कंडीशन में a और d का मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू डी और फिर b को c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं b इंटू सी तो यहाँ पे अगर ये लेस देन हुआ मतलब b इंटू सी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो बड़ा हुआ और a इंटू डी का मल्टीप्लीकेशन छोटा हुआ तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग लेस देन का साइन यूज करेंगे. ओके क्या करना है पहले डायगोनली मतलब जो फर्स्ट आपका है ए और फिर यहाँ पे डी है तो ए और डी का मल्टीप्लाई करेंगे और बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है और देखेंगे कि कौन सा लेस देन है. अगर ए इंटू डी लेस देन हुआ मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म का मल्टीप्लीकेशन अगर लेस देन हुआ बी इंटू सी से यानी कि ये फ्रैक्शन जो है वो लेस देन का साइन यूज होगा. अगर इसी में अगर दोनों इक्वल हो गया यानी कि दोनों फ्रैक्शन आपका इक्वल होगा ठीक है और अगर ग्रेटर देन का अगर यहाँ पे साइन यूज हुआ तो आपका जो फ्रैक्शन होगा वो ग्रेटर देन होगा ठीक है. इसमें ज्यादा कुछ नहीं है जब आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 ये आपका होमवर्क रहेगा इसको आप लोग करेंगे. मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं आपको अभी करना है ठीक है. किसने हैंड रेज किया है कोई डाउट है किसी को. ओके नो प्रॉब्लम. ओके क्वेश्चन है आपका 1/3 3/6 और 4/9 या फिर यहां पे मैं कर देता हूं 4/5 ठीक है. इसको आपको क्या करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है. ये तीन फ्रैक्शन है इन तीनों फ्रैक्शन को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. हो जाएगा. ओके
शैली ने आंसर किया है. ओके आई विल चेक. ओके मानसी ने भी आंसर कर दिया. दोनों का आंसर मैच कर रहा है. गुड वेरी गुड. निधि ने भी आंसर कर दिया. चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे करें. ओके वेरी गुड गौरव. तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे कि एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर का एलसीएम हम लोग फाइंड आउट करेंगे. एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. ओके थोड़ा मैं माउस से लिख रहा हूं इसीलिए ऐसे हो जा रहा है. ओके थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा. तो 3, 6 और 5 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा. ये आपका होगा 30. ओके अब हम मैं सारे रेशनल नंबर को जो है वो मैं लिख लेता हूँ. तो 1/3 को मैं लिख लेता हूँ और यहाँ पे 1/3, यहाँ पे भी इंटू का साइन, यहाँ पे भी इंटू का साइन, और यहाँ पे जो है ये हो गया आपका 1, सॉरी यहाँ पे नीचे में 30 होगा. तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा. तो यहाँ पे हम 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 होगा. तो 10 से ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 10/30. फिर नेक्स्ट आपका रेशनल नंबर जो है वो 3/6 है. तो यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाएगा. यहाँ पे होगा 15. फिर नेक्स्ट आपका जो है वो 4/5 है. तो यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे. तो 6 × 4 = 24, फिर यहाँ पे 30. यहाँ पे देखिए सारे का जो डिनोमिनेटर है वो 30, 30, 30 सेम हो गया है इक्वल. ओके अब हम लोग इसको आराम से कंपेयर कर सकते हैं. तो सबसे जब हमको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला
चूज करेंगे। तो सबसे स्मॉलर कौन सा है? 10/30 है, फिर लेस देन, फिर 15/30, फिर लेस देन 24/30। फिर 10/3 को मैंने क्या लिखा था? 1/3। फिर 15/30 को 3/6 लिख सकते हैं, लेस देन 4/5। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब ऐसे ही जो है वो क्वेश्चन क्या करेगा, एक और रेशनल नंबर यहाँ पे कोई इंक्रीज कर देगा, फिर उसको बोलेगा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ, या फिर उसको बोलेगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करो। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया? ओके गुड। नेक्स्ट आपका है डिसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। ओके, मतलब रेशनल नंबर को हम लोग डिसिमल रिप्रेजेंट मतलब डिसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर को अभी तक तो हमने फ्रैक्शन फॉर्म में देखा, अब उसको डिसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो जैसे कि आपका एक एग्जांपल है 7/4। ठीक है, तो 7/4 को डिसिमल फॉर्म में लिखना है तो हमको क्या करना होगा, 7/4 है आपका ये, तो इसको हम क्या करते हैं, 7 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर आप डिवाइड ये बाई का यूज करते हो, मतलब फ्रैक्शन में 7/4 लिखते हो ना, तो इसको कैसे लिख सकते हो, अगर डिवाइड के फॉर्म में लिखना होगा तो 7/4 ऐसे लिखते हैं, यानी कि हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। ये एक बार में हो, इसको 4 1 4, फिर यहाँ पे 3 होगा, फिर ये 4 है यहाँ पे, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम एक डिसिमल रखेंगे और यहाँ पे एक 0 लाएंगे डिसिमल रख के, फिर 7 4 28 ये हो गया 2, और फिर यहाँ पे डिसिमल जो है वो फिर एक 0 यहाँ पे रखेंगे, फिर 4 5 20, तो ये जो है ये रिमाइंडर क्या हुआ, 0 आ गया। तो यानी कि 7/4 जो है वो हो गया आपका 1.75। ओके, तो ये हो गया आपका डिसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से हमको डिसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो और भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उससे पहले हम लोग कुछ और एक टर्म समझते हैं जो कि इसमें यूज होगा। तो आपका इसमें एक टर्म आता है आपका टर्मिनेटिंग डिसिमल, और एक टर्म आता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डिसिमल। ठीक है, तो ये होता क्या है? ठीक है, तो ये जो है जैसे कि इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 7/6। ठीक है, तो 7/6 जो है यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूं, तो यहाँ पे डिसिमल के फॉर्म में क्या होगा, तो 7 को मैं 6 से डिवाइड करता हूं, तो 6 1 6, यहाँ पे 1 हुआ, फिर यहाँ पे मैंने डिसिमल दिया, फिर यहाँ पे डिसिमल ने एक 0 हमको दिया, फिर 6 1 6, यहाँ पे 4 हुआ, फिर एक डिसिमल जो है वो 0 देगा, फिर 6 6 40, फिर यहाँ सॉरी 40 थोड़ी होगा, 6 6 36, यहाँ पे रिमाइंडर 4 आया,
डिसमल जो है एक जीरो और दिया, फिर मैंने यहाँ पे सिक्स लिखा, यहाँ पे फिर 36 हुआ, फिर यहाँ पे फोर हुआ, फिर एक डिसमल जो है वो फिर जीरो देगा, तो फिर मैं यहाँ पे सिक्स लिखूंगा, ठीक है। फिर ये जो है वो आपका 36 हुआ, फिर यहाँ पे रिमाइंडर फोर आया। तो यहाँ पे देख रहे हो कि बार बार जो रिमाइंडर है वो फोर आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी फोर आया, यहाँ पे भी फोर आया, यहाँ पे भी फोर आया, यहाँ पे भी फोर आया। फिर मैं और आगे तक इसको डिवाइड करूंगा तो ये भी 6666 ये क्या होगा, रिपीट होते रहेगा, ठीक है। तो ये जो है रिपीट कर रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन 7/6 क्या है, आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि मैंने डिवाइड किया 7/6 को तो ये मिला 1.16666 डॉट 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 इनफिनिट तक आप ले जाओ इसको, फिर भी ये क्या होगा, रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है वो आपका 1.1 और 6 के ऊपर एक हम लोग पॉइंट दे देते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है दूसरा एग्जांपल, 5/6 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 5/6 को चलिए हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे होगा नहीं ये डिवाइड हो सकता है, तो 0 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट देंगे तो ये 0.1 मिलेगा यहाँ पे, तो 6 8 जा, ओके 6 8 जा 48, यहाँ पे 2 होगा, फिर 0, 6 3 जा 20, फिर सॉरी 6 3 जा 18, ओके। वॉइस नहीं आ रहा है, एम आई ऑडिबल, ओके सैली, ओके गुड 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 गुड। हाँ तो 6 3 जा 18 और यहाँ पे हो गया आपका 2, फिर यहाँ पे डिसमल जो है एक 0 यहाँ पे और देगा, यहाँ पे फिर 6 3 जा 18 होगा, यहाँ पे फिर रिमाइंडर 2 आ रहा है, यानी कि बार बार जो है वो रिमाइंडर सेम आ रहा है, और यहाँ पे 3 3 क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, ओके। तो यानी कि ये जो है 5/6 को डिवाइड करेंगे तो ये जो है वो आपका 0.8333 आया, और जो रिपीटेशन हो रहा है, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर है -5/3, तो -5/3 को यहाँ पे 1.66 5/3 को आप डिवाइड करेंगे तो ये जो होगा वो होगा 1.666, तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको हम लोग फिर इसके ऊपर एक पॉइंट दे देंगे, ठीक है। और यही आपका कहलाता है टर्मिनेटिंग डिसिमल फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डिसिमल फॉर्म, ठीक है। और फिर अगर 22/7 है, ठीक है, तो 22/7 को जो है अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3.14285714285 यहाँ पे देखिए क्या रिपीट हो रहा है, 1414285 फिर यहाँ पे 142857 यहाँ पे ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये कुछ नंबर्स के बाद कुछ नंबर्स हमेशा रिपीट हो रहे हैं, तो इनके ऊपर हम क्या करते हैं, इनके ऊपर हम रेकरिंग लगा देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं, ठीक है, रेकरिंग डिसिमल फॉर्मेट है ये आपका। फिर 23/99 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका 0.232323, ये आपको इनफिनाइट नंबर तक रिपीट करते रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 0.23 पे एक रेकरिंग लगा देंगे। रेकरिंग कैसे लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग एक लाइन दे देते हैं, ठीक है। और टर्मिनेटिंग डिसिमल कैसे लगाते हैं, तो हम लोग जो नंबर रिपीट करेगा, एक अगर सिर्फ एक ही नंबर को रिपीट करेगा तो उसको हम लोग उसको लिख करके उसके ऊपर एक
डिसिमल दे देते हैं, एक पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। सिमिलरली टर्मिनेटिंग डिसिमल फॉर्म कैन बी रिटेन एज नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल, फॉर एग्जांपल 7/4 इक्वल टू 1.75 इक्वल टू ये। यहाँ पे जो है ये यहाँ पे कोई नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे जीरो के पावर जीरो पे हम लोग डिसिमल बैठा है, तो लेकिन डिसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू क्या होता है, नहीं होता है, ओके। तो इसको आप इसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो हम लोग कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 9/37 है, इसको डिसिमल फॉर्मेट में लिखना है, तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग करेंगे इसको, ठीक है। इज एनी डाउट इन दिस चैप्टर? ये क्लियर हुआ आपको? ओके गुड। तो आज का आपका होमवर्क जो है वो प्रैक्टिस सेट 1.2 है और प्रैक्टिस सेट 1.3 है। जिन्होंने आज से क्लास ज्वाइन किया है वो लोग, उनका होमवर्क जो है वो हो जाएगा 1.1 से, फिर 1.1, फिर 1.2 और 1.3, ठीक है। अगर 1.1 में कोई दिक्कत होगा तो वो वीडियो जो है वो YouTube पे अवेलेबल है, वहां पे आप लोग वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और मैं होमवर्क जो है वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, मैं स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ अभी, ओके, स्क्रीन शेयर अभी बंद कर देता हूँ। ओके तो गूगल क्लासरूम पे अभी बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो सभी को जो है वो लिंक शेयर कर दिया गया उनके जीमेल पे, आपको क्या करना है ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ किसने किसने ज्वाइन किया है। हाँ गौरव ने नहीं ज्वाइन किया है, ठीक है। आप ज्वाइन कर लेंगे, अगर आपको नहीं गया है लिंक तो आप मैम से एक बार बात कर लेंगे, ओके। शैली आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है, ओके आपने ज्वाइन कर लिया, ओके। बाकी सब ने ज्वाइन कर लिया है, ऑन जीमेल लिंक इज कमिंग, ओके। यहाँ पे निधि, आर्या, धीरज, रुद्रा और एक मनोज के नाम से, मनोज यानी कि मानसी, ओके। इतने लोगों ने ज्वाइन किया अभी, और बाकी जो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो लोग सारे लोग आज ज्वाइन कर लेंगे। मैं होमवर्क जो है वो अपलोड कर दूंगा अभी, जस्ट मैं क्लास एंड होने के बाद होमवर्क अपलोड कर दूंगा, आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ओके, थैंक यू, गुड नाइट, बाय, थैंक यू मानसी, ओके बाय। आप लोग जल्दी से मीटिंग लेफ्ट कर देंगे, यस सर, इज माय नेम देयर इन द क्लासरूम, साइली और डॉक्टर विद्या? ओके आई विल चेक। आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, इनवाइटेड शो हो रहा है, ओके। आप मैथ्स के क्लास 8th मैथ्स जो है वो आपने एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया है, आपको जीमेल पे लिंक गया होगा, सर आई विल चेक। ओके आप चेक कर लीजिएगा, थैंक यू सर, बाय सर, ओके बाय बाय सर।